और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो भारतीय कार्रवाई में यूसुफ अजहर मारा गया है। जी हाँ, इसी बीच एक और बड़ी खबर, भारत की बड़ी कार्रवाई में यूसुफ अजहर मारा गया। बालाकोट कैंप की जिम्मेदारी यूसुफ अजहर के पास ही थी और जैश का सबसे सुरक्षित ठिकाना था बालाकोट कैंप, जहां पर रात 3:30 बजे बता दें आपको कड़ी कार्रवाई भारत वायुसेना की तरफ से की गई और कार्रवाई में 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। तो भारत की कार्रवाई से यूसुफ अजहर भी मारा गया। बालाकोट कैंप की जिम्मेदारी यूसुफ अजहर के पास ही थी और तकरीबन 300 आतंकी इस कड़ी कार्यवाही में मारे गए हैं। जैश का सबसे सुरक्षित ठिकाना आपको बता दें बालाकोट बताया जा रहा था। राष्ट्रपति को भी जानकारी पीएम ने दी, पूरी कार्यवाही के बारे में पीएम ने जानकारी दी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस आतंकी की जो इस हमले में मारा गया। आपको बता दें ये जो आतंकी मारा गया है यूसुफ, ये मसूद अजहर का भाई है। तो तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहां मसूद अजहर का आतंकी भाई यूसुफ भी इस हमले में मारा गया। तकरीबन 300 से 400 आतंकी ढेर किए गए। और भारत की कार्यवाही से यूसुफ अजहर जो आतंकी है वो भी मारा गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे स्क्रीन पर और भारत की कार्यवाही में यूसुफ अजहर मारा गया है। और यूसुफ अजहर आपको बता दें बालाकोट कैंप की जिम्मेदारी पूरी इसके ऊपर ही थी और जैश का सबसे सुरक्षित ठिकाना बालाकोट कैंप माना जाता है। कार्यवाही में 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत की कार्रवाई में यूसुफ अजहर मारा गया। आपको बता दें यूसुफ अजहर मसूद अजहर का रिश्तेदार बताया जा रहा है और बालाकोट कैंप की जिम्मेदारी यूसुफ अजहर के पास थी। तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर भारतीय वायुसेना को मिली, भारत को मिली, जहां 300 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जिस तरह रात 3:30 बजे भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया पीओके में घुसकर, तो जवाबी कार्रवाई आपको बता दें भारत की तरफ से की गई और जैश का सबसे सुरक्षित ठिकाना बालाकोट माना जाता है, जहां पर यूसुफ अजहर को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें यूसुफ अजहर मसूद अजहर का रिश्तेदार बताया जाता था, जहां बालाकोट कैंप में इसको ढेर किया गया, उसकी जिम्मेदारी पूरी यूसुफ अजहर के पास ही थी और सबसे सुरक्षित ठिकाना जो जैश ए मोहम्मद का था वो बालाकोट कैंप था। तो एक बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को।